हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया सोनिया की रसोई में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज की रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम प्याज ले लिए। छोटे प्याज इस तरह से छील कर हमें कट लगा लेने हैं। देखिए, इस तरह से इसकी रूट वाले हिस्से अलग कर दीजिए और दूसरी साइड से हमें कट लगा लेने हैं। मैंने सभी प्याज में इसी तरह से कट लगा कर रख लिया है। चलिए सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल ले लिया। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। अब यहाँ 1/2 छोटी चम्मच राई, जीरा और सूखी लाल मिर्च ले लेंगे और साथ में 2 तेज़ पत्ते और 1/2 छोटी चम्मच हींग ले लेंगे। अब सभी राई जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब जो प्याज सुधार कर रखे थे उसे भी ले लेंगे। अब अच्छे से सभी प्याज को चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढककर थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। यह सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जब आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इस तरह से प्याज की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमारे प्याज हल्के गलना चालू हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए हैं। उनसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका कच्चापन दूर होते तक इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी मसाले ले लेंगे। यहाँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब सभी सूखे मसालों को अच्छे से भून लेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही इन्हें भून लेंगे। अब हमारे सभी सूखे मसाले भी भून चुके हैं। अब यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसे ले लेंगे। अब टमाटर के पानी सूखते तक हमें इन्हें पका लेना है। देखिए, थोड़ी देर बाद हमारे टमाटर से पानी भी सूख चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी स्पेशल चीज़ डालेंगे, वो है दूध की मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें भी चम्मच चलाकर अच्छे से 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला ले लेंगे। अब इसे ढककर 1 मिनट के लिए और पका लेंगे स्लो मीडियम फ्लेम में। देखिए, 1 मिनट के बाद हमारी सब्जियां बनकर तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर लेंगे, हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आइए इन्हें एक प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा या लच्छा नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी सब्जी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।